श्रृंगार और सजना संवरना हर नारी की चाह होती है। जुल्फे सवारने, चूड़ियां पहनने और तैयार होने के लिए महिलाएं हमेशा उत्सुक ही रहती हैं। लेकिन अगर बात करें मर्दों की, तो कहा जाता है कि श्रृंगार मर्दों के चोचलों में नहीं आता। मर्द मर्द होते हैं, लेकिन वही भारत में एक ऐसा भी मंदिर है जहां पुरुषों को चूड़ियां पहनकर प्रवेश करना पड़ता है। महिलाओं के लिए यहां कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन यहां इस मंदिर में कोई भी मर्द प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि वो एक महिला जैसा रूप धारण ना कर ले। भारत का एक ऐसा अनोखा मंदिर जहां पुरुषों को महिला बनकर पूजा अर्चना करनी पड़ती है। यह मंदिर है केरल के कोल्लम जिले में और इस मंदिर का नाम है कोटनकुलंगरा श्री देवी मंदिर, जहां हर साल एक खास पूजा का आयोजन किया जाता है जिसमें शामिल होने के लिए हर पुरुष को औरत बनना पड़ता है। इतना ही नहीं, पूजा में शामिल होने वाले पुरुष को महिला की तरह 16 श्रृंगार करना पड़ता है। इस मंदिर में हर साल 23 और 24 मार्च को चाम्य विलक्कू उत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि पुरुषों द्वारा इस तरह महिला का रूप धारण कर पूजा करने से अच्छी नौकरी, सेहत और पारिवारिक खुशहाली की प्राप्ति होती है। इस अनोखी परंपरा के चलते यह मंदिर आज देश दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। केरल के कोल्लम जिले में ये एक अनोखा मंदिर है जहां औरतों को नहीं बल्कि मर्दों की एंट्री बैन है। हालांकि मर्द इस मंदिर में जाते जरूर हैं, लेकिन मर्द बनकर नहीं, औरत बनकर। कोटनकुलंगरा श्री देवी मंदिर में देवी माँ की पूजा की परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसमें मर्द औरत बनकर देवी माँ की पूजा करने आते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर में देवी माँ की मूर्ति खुद प्रकट हुई थी और यह राज्य का एकलौता ऐसा मंदिर है जिसके गर्भगृह के ऊपर छत या कलश नहीं है। कोटनकुलंगरा श्री देवी मंदिर में हर साल 23 और 24 मार्च को चाम्य विलक्कू उत्सव मनाया जाता है। इस मंदिर में एंट्री लेने के लिए मर्दों को ना सिर्फ महिलाओं का कपड़े पहनने होते हैं बल्कि 16 श्रृंगार भी करना पड़ता है। मंदिर के अनूठे उत्सव में भाग लेने के लिए पुरुष महिलाओं की तरह साड़ी पहनते हैं, सजते संवरते हैं और पूरे 16 श्रृंगार करने के बाद माता की आराधना करते हैं। 16 श्रृंगार करने के बाद पुरुष अच्छी नौकरी, सेहत और अपने पारिवारिक की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ एक तरफ हमेशा ये सुनने को मिलता है कि कुछ मंदिरों में महिलाओं का जाना वर्जित है, वहीं अगर बात करें कोटनकुलंगरा श्री देवी मंदिर की, तो ये अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दें।